दुनिया में कुछ ऐसी अनोखी जगह मौजूद हैं जिन्हें देखकर एक बार तो हमें यकीन ही नहीं होता कि ये जगह हमारी पृथ्वी पर ही है। आज की वीडियो में हम आपको कुदरत की कुछ ऐसी ही अनोखी जगहों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। इस सीरीज़ की ये हमारी तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद उन वीडियोस को भी जरूर देख लेना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। मेंडेनहॉल आइस केव्स। दोस्तों, आप जानते ही हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है और ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। जहाँ बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ पिघल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अलास्का में बहुत बड़ी बड़ी आइस केव्स यानी बर्फीली गुफाएं मौजूद हैं। इन गुफाओं के अंदर बर्फ के क्रिस्टल में नीले रंग के अलग अलग शेड्स एक प्राकृतिक घटना है। इन गुफाओं की खूबसूरती को बोलकर बयान नहीं किया जा सकता। आप स्क्रीन पर इसकी एक छोटी सी झलक देख सकते हैं। वैज्ञानिक इन गुफाओं को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि कुदरत का ये खूबसूरत अजूबा हमेशा बरकरार रहे। जेलीफिश लेक। पलाऊ में मौजूद जेलीफिश से भरी ये अनोखी झील बहुत खूबसूरत है। इस झील में पाई जाने वाली जेलीफिश एक दुर्लभ प्रजाति की है जिन्हें एटिसन कहा जाता है और ये सिर्फ समुद्री झील में ही पाई जाती है। जेलीफिश की ये अनोखी प्रजाति डंक नहीं मारती, इसलिए तैरने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। इस झील में चांद और गोल्डन दो तरह की जेलीफिश है और इनकी क्वांटिटी लाखों में है। ये झील इतनी सुंदर है कि लोग दूर दूर से इस झील में डाइविंग करने के लिए आते हैं। 2012 में यहाँ जेलीफिश की आबादी बहुत कम रह गई थी, इसलिए इसे पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन 2015 में ये झील फिर से जेलीफिश से भर गई और इसे दोबारा पब्लिक के लिए खोल दिया गया। वेनिक्यूना रेनबो माउंटेन। बचपन से ही इंद्रधनुष हम सब की क्यूरियोसिटी रहा है। सभी के मन में यही ख्याल आता है कि आखिर आसमान में ये सात रंग कहाँ से आते हैं। आसमान में तो कभी कभी ही इंद्रधनुष देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपको धरती पर ही सात रंग का इंद्रधनुष देखने को मिल जाए तो बात ही क्या है। ऐसी ही एक जगह पेरू में है। ये रंग बिरंगी पहाड़ियाँ देखकर ऐसा लगता है मानो धरती पर रेनबो बनाया गया हो। कुदरत की बनाई ये रंग बिरंगी पहाड़ियाँ लोगों का मन मोह लेती हैं। डाकी रिवर। हम आपको बताते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ पर पानी में नाव इस तरह नजर आती है जैसे कि शीशे पर चल रही हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेघालय की। आज के टाइम में जहाँ नदियाँ गंदगी से भरती जा रही हैं, वहीं एक ऐसी नदी भी है जो कांच की तरह साफ है। मेघालय में मौजूद ये दुनिया की सबसे साफ नदी है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां हमें एक के बाद एक हैरान कर देने वाली जगहें और चीज़ें देखने को मिलती हैं। इन्हीं में से एक है उम्मनगोत नदी, जिसे देश की सबसे साफ नदी का टैग मिला है। इसके चारों तरफ खूबसूरत वादियां हैं जो हर किसी का मन मोह लेती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी पर इस नदी की रोजाना सफाई की जाती है। शायद यही वजह है कि ये नदी दुनिया की सबसे साफ नदी है। पिंक बीच। दोस्तों, बीच पर जाना तो सबको पसंद है। दुनिया में बहुत खूबसूरत और अनोखे बीच मौजूद हैं, पर शायद आपको ये नहीं पता होगा कि एक ऐसा बीच भी है जो गुलाबी रंग का है। बहमास का ये बीच पिंक सैंड बीच के नाम से फेमस है। गुलाबी रंग का होने की वजह से ये बीच कपल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस बीच को वर्ल्ड बेस्ट बीचेस की लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। पिंक लेक। दोस्तों, अभी हमने पिंक बीच की बात की तो अब लगे हाथ पिंक लेक की बात भी कर लेते हैं। इस झील का रंग कभी लाल होता है तो कभी गुलाबी। इसका कलर पानी के खारेपन की वजह से चेंज होता रहता है। इस लेक में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ तैरना बहुत आसान है। आपको जानकर हैरानी होगी पर इस लेक में नमक इतना ज़्यादा है कि इसके साइड में एक फैक्ट्री बनाई गई है जहाँ इस झील के पानी से नमक बनाया जाता है और तैयार नमक को वेस्ट अफ्रीका के कई शहरों में भेजा जाता है। और दोस्तों, अब अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोस का अपडेट आपको लगातार मिलता रहे।